डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेडिकल स्टोर संचालक साजिद सैफी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। प्रेम प्रसंग में की गई इस हत्या में पुलिस ने एक हत्याभियुक्त फुरकान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य की तलाश की जा रही है। पुलिस जांच में आया है कि साजिद की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते युवती के भाइयों द्वारा की गई है। दरअसल शुक्रवार की रात मेरठ के लसाड़गेट थाना क्षेत्र स्थित घंटे वाली गली में दो युवकों ने गोलियां बरसाकर मेडिकल स्टोर संचालक 24 वर्षीय साजिद सैफी पुत्र शाहिद सैफी की हत्या कर दी थी। स्टोर पर बैठा बच्चा भी बाल बाल बचा। उसने साजिद के घर पर जाकर घटना की जानकारी दी। साजिद के पिता शाहिद, बड़ा भाई साकिब और परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। लहूलुहान हालत में परिवार के लोगों ने साजिद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो संदिग्ध दो युवक नजर आए। बदमाशों के हुलिये का आसपास के लोगों से पहचान कराने पर इनके फुरकान में रिजवान होना साबित हो गया। पुलिस ने फुरकान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि रिजवान अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। साजिद के परिजनों ने फुरकान, रिजवान व एक अन्य अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस जांच में यह भी बात सामने आई है कि साजिद का फुरकान की बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसी खुंदक में साजिद को मौत के घाट उतारा गया। इस बारे में SP सिटी पीयूष सिंह ने यह जानकारी दी। ये रात में 11 बजे के लगभग थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र अंतर्गत घंटे वाली गली में एक मेडिकल स्टोर संचालक, जिसका नाम साकिब था, को उसके दुकान के सामने दो युवकों के द्वारा गोली मार दी गई थी, जहां अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना के संबंध में अब तक की तहकीकात से, जांच से यह तथ्य मूल रूप में प्रेम प्रसंग का प्रकरण पाया गया है। इसमें मृतक के परिवारीजन द्वारा तीन व्यक्तियों को नामजद करते हुए तहरीर दी गई है, जिसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए युवक के द्वारा पूरे घटनाक्रम की पुष्टि कर दी गई है। अभियुक्तों के संलिप्तता के CCTV के माध्यम से भी प्रमाणित हुई है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV, और हाँ, चैनल को लाइक करना व सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटिस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।